तो आज है फ्राइडे और हम जा रहे हैं फ्राइडे की पार्टी की तैयारी करने। चलो स्टार्ट करें हैं। तो पहले हम सीख कबाब को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। देन लूंगा मैं ओनियन, ओनियन को भी छोटे छोटे पीसेस में मैं कट कर लेता हूँ। साथ ही लेंगे टमाटर, टमाटो तो मेरा फेवरेट है, इसको छोटे छोटे पीसेस में इसको भी हम कट कर लेंगे। टमाटो के बाद बारी आती है धनिया की, इसको भी हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। धनिया की स्मेल बहुत अच्छी होती है। साथ ही लेंगे हम थोड़े से गार्लिक, इसको भी बारीक चॉप कर लेंगे। ये सब इंग्रेडिएंट की तैयारी हो रही है अंडा भुर्जी बनाने की। क्योंकि मेरे डिश है तो थोड़ा हेल्दी रहेगी, मैं इसमें डालूंगा गाजर घिस के। वैसे तो कट करके डाल सकते थे, मर्जी आपको कट करना है तो आप कट करके डाल सकते हो। मैं इसमें मिक्स करके डाल दूँगा अंडा को, जितना हो तो अंडे इसके ऊपर चार होता है तो चलिए कट हो गया है। अब इसमें डालूँगा थोड़ा बीट रूट, ये है बीट रूट। बीट रूट तो मैंने पहले तो घिसा था, फिर वो सही से हो नहीं रहा था, तो आई थॉट चलो पतले पतले उसको स्लाइस में कट कर लेते हैं, जिससे थोड़ा कुरकुरापन बना रहेगा। देन हम कट करेंगे थोड़ी सी ग्रीन चिली। तो मेरे इंग्रेडिएंट तो कट चुके हैं, अब हम डालेंगे इसमें अंडे। दो अंडों की भुर्जी बना रहा हूँ तो मैं दोनों अंडे जल्दी से फोड़ लेता हूँ। मैं अपने जो अंडा करी बनाना उसमें भी दो एग डाल लेता हूँ, बार बार मुझे फोड़ना नहीं पड़ेगा, एक बार में फोड़ लेते हैं। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, इसमें भी डाल ही देता हूँ मैं। हल्की सी लाल मिर्च, बिल्कुल एक्चुअली इसमें मिर्च ऑलरेडी पड़ा है, मैं अपने वही डाल ही देता हूँ, मुझे ज़्यादा मिर्च नहीं चाहिए। तो ये है एक स्पेशल चटनी जो हमने बना के रखी है, वो भी हम इसमें डालेंगे। सो इसमें मैं थोड़ा सा लहसुन डाल देता हूँ, दोनों ही कटोरी में, एक वाइफ के लिए बना रहा हूँ एक अपने लिए। वाइफ में प्याज नहीं पड़ता है इसलिए मैंने दो अलग अलग बनाए हुए हैं और मैं अपने में प्याज डालता हूँ। वाइफ का मैंने जल्दी से इसको मिक्स कर देता हूँ, मैंने प्याज नहीं डाला है, लहसुन रहेगा, मिर्ची रहेगी। मैं अपने में ग्रीन चिली नहीं डाला है, मैंने अपने में लाल मिर्च डाली है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब डाल देते हैं गाजर, थोड़ी सी हरी धनिया और इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। वाइफ की बॉल तो ऑलमोस्ट मिक्स हो गई है, कितना अच्छा सा कलर लग रहा है, हेल्दी भी है। अब चलो मैं अपनी जो बॉल है, अपना जो अंडा भुर्जी, उसको भी रेडी कर लेता हूँ। धनिया डाल दिया, जो भी इंग्रेडिएंट बचे थे जैसे कि गाजर, बीट रूट एंड सब कुछ डाल के एक अच्छे से मिक्स कर देता हूँ मैं। सो अभी मैंने कर लिया इसको अच्छे से मिक्स, दोनों बॉल्स रेडी हैं। अब चलिए इसको प्रिपेयर करते हैं, फ्राई करते हैं। ओके जोशी, तो पापा अपना बनाने जा रहे हैं। मटर बन गया है बिल्कुल, जरा सा ऑयल ना के बराबर, ना के बराबर ना, दिखाने के लिए मैंने ऑयल डाला है। सोशी मैडम मौके का फायदा उठाते हुए रूम में चली गई है, रूम बंद कर लिया, अब उनका मेकअप स्टार्ट हो जाएगा। पता है मम्मा बैठे बिजी हैं, हाँ तो प्राइवेसी चाहिए मैडम को। देख के तो बड़ा हैवी लग रहा होगा, कलरफुल पिंक पिंक रेड रेड। यस, आज रेड डे भी है, रेड फ्राइडे। यस, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे कि अंडा जो है जितने भी इंग्रेडिएंट है उसके ऊपर मैं आपको कवर कर लें, तो सिर्फ इंग्रेडिएंट और जो एग है वो अलग अलग नहीं जाएंगे। ये है मेरा अंडा भुर्जी। अंडा भुर्जी ये मास्टर शेफ। ऑमलेट उतना पसंद नहीं मुझे, तो मैं जब भी बनाता हूँ तो मुझे
अंडा भुर्जी बनाता हूँ और आज तो मैंने इसमें सारे इंग्रेडिएंट जो जितने भी हेल्दी इंग्रेडिएंट होते हैं वो सारे डाल के रखे हैं। ओके लेट्स देयर स्लाइड में रेडी बना रहा हूं। यस रेड रेड शॉर्ट्स बस नमक टेस्ट नहीं किया तो नमक अच्छा ना था बाकी ठीक है। इसमें सब कुछ है, इसमें अदरक है, लहसुन है, टमाटर है, धनिया है, एक तो है ही है, प्याज है, बस हरी मिर्च नहीं है, बाकी अपनी स्पेशल जो चटनी हमने बनाई थी वो भी है। तो तीखा नहीं बनने वाला, बस हाँ चटपटा बनने वाला है। तो चाहिए पापा क्या बना रहे हैं बताओ, लुकिंग एट हाँ क्या देख रहे हो पापा क्या बना रहे हैं देखोगे अच्छा दिखा एग भुर्जी अच्छा दिखा दे क्या एग भुर्जी बना रहे पापा अंडा भुर्जी रेडी हो गया और नॉनवेज के जो टिक्का था वो भी रेडी हो गया, बस कोल्डिंग निकालनी है और आइस डालना है इसमें। आइस तो बनाई थी, आइस तो जमा ली थी हाँ, तो हमारी पार्टी अभी शुरू हो जाएगी। ये फ्राइडे रेड फ्राइडे यस, शाम को 6 बज रहे हैं, 7 बजे से स्टार्ट कर लेंगे पार्टी। ओके अभी देखो एक एक जो अंडा भुर्जी का पार्ट है वो अलग है, कहीं भी चिपके हुए नहीं, इसमें ये रेडी हो गया है। ये देखो जैसे गेहूं के दाने होते हैं ना, आप छोड़ते हो तो वो खड़ 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 करते रहते हैं, एक दाना अलग होता है, वैसे अलग से देखो कोई भी दाना, कोई भी जो पार्ट है वो चिपका हुआ नहीं है, इसमें ये पूरी तरह से रेडी हो गया। तो मैं इसका आँच बंद कर देता हूँ, थोड़ी देर से मैं लगा घने लूँगा। चलो जी हमारा भी अंडा भुर्जी रेडी हो गया है। चलो जी अब जो हमने सामान उसके ऊपर ढूंढ लेते हैं, कुछ छोड़ेंगे नहीं। चलो कोल्ड ड्रिंक निकालो आपने तो कब्जा कर लिया, क्या कर रहे हो? दोबारा कर मैं भी तो खा लूं, हाँ मैं भी खा लूं। वाह ये कैसा सोनी, सोची कैसा है? मुझे बता दो। वाह हाँ आप वाले में हरी मिर्च भी है, मैंने वो चटनी डाल दी थी कि रेड वाली जो बनाई थी। पार्टी स्टार्ट आप आ गए गॉगल चमी हो गॉगल पापा की कॉपी कर
तो फन फ्राइडे व्लॉग का ये था सेकंड पार्ट। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ पे टच करिए और इस पे आप मेरा पहला व्लॉग भी देख सकते हैं। दोनों व्लॉग देखने के बाद आपका जो भी फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। कर लो काम, कर लो लैपटॉप पे। हाँ, वेरी गुड। कौन सा ऑफिस का काम कर लो? कौन सी रिपोर्ट देख रहे हो? रेडएक्स की रिपोर्ट है। वाओ, ओहो, अरे फास्ट टाइपिंग हो रही है। ओहो, किसने सिखाया? मैंने तो नहीं सिखाया ये सब ऐसे टाइपिंग करना। ये वाह, बस वर्क फिनिश, ऑफिस खत्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक लाइक तो जरूर बनता है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इन्फॉर्मेशन करते हैं।